हेलो, फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे माँ बाप मेरे पास में लाते हैं बच्चों को कि जिनको पायका की बीमारी है, पायका, PICA, पायका। ये बीमारी ऐसी कि जिसमें जो चीज़ें खाने की नहीं है, अन्न नहीं है, वो चीज़ बच्चे खाते हैं। जो अन्न नहीं वो बच्चे खाते, खाने की चीज़ें वो खाते रहते और उनको उसमें मज़ा आता है। कौन सी चीज़ें कि जैसा प्लास्टर, चौक, फिर पेपर, फिर कोई पत्थर, मिट्टी, कपड़े के टुकड़े, बाल खाना, कुछ कीड़े खाना, ऐसा कुछ भी, पत्थर खाना, पेंट खाना, ऐसा उनमें चालू रहता है। अब ये खाने की वजह से होता क्या है कि वो खाना कम खाते हैं, खून कम तैयार होता है, फीके दिखते हैं बच्चे, ताकत कम हो जाती है, लोहा जो है खून का वो कम हो जाता है। ये बच्चों में थंब सकिंग मतलब अंगूठा चूसना ये भी दिखाई देता है, नेल बाइटिंग, नखून खाना ये भी दिखाई देता है ज़्यादातर। अब इसमें ये जो बीमारी है, इसमें पेट में जंत कीड़े हो जाना, वर्म इन्फेस्टेशन, वो बच्चों में दिखाई देता है ज़्यादा, वर्म इन्फेस्टेशन, या फिर खून में लोहा कम होने से या खून कम होने से एनीमिया होता है और उससे फिर अलग अलग बीमारियां होना या और कोई बीमारी ज़्यादा बढ़ना, वो हो जाता है। अभी इस ये बीमारी में मदर काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। मदर का काउंसलिंग मतलब माँ का काउंसलिंग कि भाई ये बीमारी है या ऐसे बच्चे खाते रहते तो उनका डेवलपमेंटल जो एज है वो उसके हिसाब से खाना बराबर नहीं है, क्योंकि ये कल्चर में भी नहीं है, संस्कार में भी नहीं है ऐसा खाना, और तभी भी खा रहा है बच्चा। तो ऐसा पाया गया है कि माँ यदि बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं है तो बच्चों में ज़्यादा दिखाई देता है। मतलब माँ काम पे जा रही है, माँ बच्चों के साथ में नहीं है, तो वो बच्चों में ज़्यादा दिखाई देता है। तो मदर्स अवेलेबिलिटी टू चिल्ड्रेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ बच्चों के लिए टाइम आउट ट्रीटमेंट है, एवर्शन थेरेपी है, फिर फिजिकल स्ट्रेन है, ऐसे अलग अलग करके देखा हुआ है। मेनली मदर काउंसलिंग, और काम पड़ा, बहुत ज़रूरत पड़ी तो टाइम आउट, और अलग अलग तरह की एवर्शन ट्रीटमेंट यदि बच्चों को देते हैं तो इसमें फ़ायदा होता है। थंब सकिंग से दांत के प्रॉब्लम तैयार हो जाते हैं, दांत बाहर आ जाते हैं। नेल बाइटिंग से, क्योंकि ये बच्चों में यदि ज़्यादा एंग्जाइटी है, टेंशन आ रहा है, तो उनको फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वो खाते रहते तो अभी खाना नहीं है तो फिर वो नेल बाइटिंग करेंगे, नखून खाएंगे, या फिर अंगूठा चूसेंगे, क्योंकि उनको वो एंग्जाइटी कम करनी पड़ती है, एंग्जाइटी रिलीज करनी पड़ती है, फिर कुछ ना कुछ और वो आदत लगा देंगे, और फिर उसके अलग अलग कॉम्प्लिकेशन। तो उसके लिए भी फिजिकल स्ट्रेन करना जरूरी है, जिससे ये बच्चों में फ़ायदा दिखाई देता है। मेन थिंग इज़ मदर काउंसिलिंग या पेरेंटल काउंसिलिंग, वो बहुत ज़रूरी है, इससे ये बच्चों में अच्छा फ़र्क दिखाई देता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा था जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।